राम राम भैया, हम है प्रकाशवीर आर्य और ये अमोली फ्रेंड्स क्लब का जो है यूट्यूब चैनल है। तो भैया, अपने जिला फतेहपुर में कोरोना वायरस की एंट्री हुई गई है, यानी कि हिंद भी एक आदमी कोरोना संक्रमित पाया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी समस्या उत्पन्न हुई गई है कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति आ गया, जबकि अपन जो जिला है वो ग्रीन जोन में रहा है। देखिए, बावजूद हो कोरोना पॉजिटिव इन पे होगा, कैसे वो आदमी बाहर से आया और बाहर से आके ऐसे कुछ लोगों के साथ में जो पॉजिटिव रहे दूसरे बगल वाले जिला से, तो यहाँ पे आ गए। तो वो तो ठीक है, आ गए, सरकार का अपना काम, स्वास्थ्य विभाग अपन काम कर रही है, उनको ले गई है, सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है, हर जगह कर रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है, सरकार एक एप्लीकेशन दी नहीं, आरोग्य सेतु, अगर नाम सुनो हुआ तुम पंचे न सुनो हुआ तो देखा स्क्रीन में बन के आ रहा हो आरोग्य सेतु। तो भैया, यह एप्लीकेशन करें का डाउनलोड सबका, और डाउनलोड करें तो फायदा ये हुई कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो भी जानकारी जानकारी हुई है सब मिलती रही है, और कोनो अगर संक्रमित व्यक्ति आपके आसपास गुजरी तो वो इंडिकेट करी, स्वास्थ्य विभाग का जानकारी मिली, तुमका जानकारी मिली। लेकिन एमा अपन जिला सबसे बुस्सड़ है, सबसे ज्यादा फिसड्डी जिला है, और अपने प्रयागराज जो मंडल है, चारों जो जिला आवत है परिमंडल में, चारों में सबसे बेकार अपन जिला फतेहपुर, सबसे कम आदमी डाउनलोड किए ने का, केवल एक 1,07,926 आदमी केवल डाउनलोड किए ने, और जबकि अपने जिला के पूरी आबादी 32,87,923 है। इतने जने में केवल इतने लोग 1,07,926 लोग केवल देखा डाउनलोड की ने, मतलब 3.28% के आसपास है रेशियो। अब समझ लो कि पूरे उत्तर प्रदेश में 68वें नंबर में अपन जिला आ रहा है सबसे कम डाउनलोड कर रहे हम। तो भैया, डाउनलोड कर लो, फायदे की चीज है, सरकार करवा रही है, ऊट पटांग की चीजें डाउनलोड, नाच दिखिया, टिकटॉक करिया, कुछ करिया, भैया हिम्मत, जान बची, जान बचे वाली चीज डाउनलोड करा, है ना। तो इतने अपन जो है जान बची रही, सब कुछ बढ़िया रही, और अच्छी चीज है कम से कम भारत सरकार की द्वारा बनाई गई आरोग्य सेतु जो है सूचना और विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, ना कोनो फालतू चीज तुमको डाउनलोड कराई जा रही है। तो एक डाउनलोड कर ला, तो डाउनलोड करा जेथे ऐसे मान ली अबे एक आज संक्रमित निकलो है, मान ला को के संपर्क में आए, तो अगर ऐस कोनो जानकारी हुई तो एक दूसरे के माध्यम से, एक एप्लीकेशन के माध्यम से पता तो चली, कम से कम सरकार का तो बचत हुई, जैसे लोग जो लोग संक्रमित हो रहे हैं वो बच जाइए। तो एक बारे में हमारे युवा विकास समिति के जो प्रवक्ता हैं आलोक गौड़ जी, कुछ कहो चाहते हैं, उनके बात सुन लिया। अच्छा भैया, तनी हम का सुन लिए, अपने जिले फतेहपुर में एक कोरोना मरीज मिले से अब जिले में भी बोहनी हो गई है, और हम लोग अभी तक का मार शोर शराबा मचाई रहा है, खूब जश्न मनाई रहा है, और कि हम हमारा जिला जो है कोरोना ना पहुँचे पाई, हमारा द्वाबा की भूमि आए, फतेहपुर आए, यन कोरोना लौट जाई सड़क देख के, आइस तो हम पंचे मजाक बनाए रहन। तो अब देखो सब लोग, हमारा एक विनती मानो कि अभी तक का जो करत रहो तो करत रहो ठीक है, अब जिले में कोरोना मरीज मिल गया है, और वो भी संक्रमित मिल गया है, वह मुंबई से आवा रहा है, सबको जो बता रहा है, डीएम साहब और एसपी साहब दौड़ लगाए पड़े हैं, पूरा जिला प्रशासन हड़कंप मचा है, लोग जो हैं चिंता में पड़ गए हैं। हम एक अपील करें, मुंबई से आवा रहा है, और ओके बाद वह अपने गांव मगा सबका छुए सी, और छुए से जो हैं, और जब वह जाँच आँच कीन गए तो पता लग कि वह कोरोना का संक्रमित मरीज पावागा है। तो ऐसे अन्य लोग भी प्रभावित हुई हैं और जरूर हुई हैं, कहे के मारे वह जो है बांदा में वह महिला के संगे बैठ के आवा रहा है, जो बांदा में कोरोना के संक्रमित पाई गए रहा है। तो ऐसे जो है जिले में कोरोना मरीज दस्तक दे दीने सी है, और अब हम सबका यह ध्यान रखें है कि यह मरीज मिलने से, और हम लोगों का अब सचेत रहें खे, और नहीं तो जिले में भी अन्य जिलों के तरीके हाल ना हो जाए। अभी यह चिंता करें कि और कुहू का नहीं, बहुत घबराएं की जरूरत नहीं है, जौन जिला प्रशासन का है, जौन डीएमएसपी साहब का है, वो का मानो और अपने का सुरक्षित रखो, को घर से ना निकलो, जौन हाथ हाथ धोवे खोए, सैनिटाइजर लावे को सब ले आओ, और प्रधानन ते कहो अपने गांव मानी जौन इनका पैसा मिला है, जौने गांव में सैनिटाइजर नहीं करवाए, नहीं सैनिटाइज नहीं कराए, नहीं मास्क नहीं बांटे, नहीं है तो उनते कहो कि प्रधान जी अब सबके जान में आ गए, सब ये सब करवा दो, पैसा न खाओ, जान रही तो जान रही, नहीं तो यह पैसा कोनो काम ना आई,
कुछ ना लेके आए रहो और ना कुछ लेके जाइयो, खाली हाथ आए रहो, खाली हाथ जाइयो। हाँ जो उन्हें दिना मारे का टाइम आवत है तो फिर वह दिन पैसा काम नहीं आवत है। ये लिए हम आप सबसे कही थवे कि आप अपने घर में रहो और लड़का बच्चन का बूढ़ बुजुर्गन का जरूर ध्यान रखो। तो भैया आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद, देखा बताए कि कैसे कैसे कहा करें, क्या बहुत जरूरी है। तो अब समझा कि अपने पूरे प्रयागराज जो मंडल है, अपने मंडल में सबसे ज्यादा तो इलाहाबाद वाले यानी प्रयागराज वाले वही पंचे डाउनलोड कर लिए पंचे, उनके आबादी 74,36,218 है, 74,36,218 है। तो 4,83,661 जने कम से कम एप्लीकेशन का डाउनलोड कर लेने, उनका प्रतिशत 6.50 है और हम पंचन के देख ला 3.28। तो भैया फतेहपुर वाले नाक न कटावा और मरे कने घूमा, कम से कम बचत हुई जी तो एक डाउनलोड कर। काम का कहा है भैया, संक्रमित व्यक्ति से जो है ना एक ट्रैक कर रहे जानकारी भी, और हमें बहुत सारे कांटेक्ट नंबर सूचना भी आप किसी अधिकारी को देना है, कुछ भी करना सब कुछ पर है हमें। और अपने मोबाइल एंड्रॉइड में जाए का है, उनसे जाके डाउनलोड करें का है, न समझ में आवे कैसे डाउनलोड करें तो हम डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर तो है ना फोन में, एक तिकोना बनो रात देखा बन के आ रहा है, है? बस ये मैं भीतर जाए ओके भीतर लिख दो आरोग्य सेतु, उम्र लिख के आ जाइए, बस इंस्टॉल का बटन दबा दो, जो जो पूछे तो तुम भर दो, सरकारी आए कोनो डराने की बात नहीं आए उन्होंने, ये कुछ हुई जी ठीक। एक बारे में कुछ देखा डॉक्टर पंकज जी कुछ कहो चाहते हैं तो सुन ले भैया। मैं डॉक्टर पंकज शर्मा, भैया आज हमारे फतेहपुर शहर में एक आदमी का कोरोना पावा गया है। अब आप समझ लो कि यह जो खतरा है तुम्हारे द्वारे तक आ गया है, पूरे जिले का ये बर्बाद कर दी अगर तुम ना सुधरे और सरकार की बात ना मानो। हमका यही पता लग गया कि हमारा जो शहर फतेहपुर है 68वें नंबर पे है आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने में। यह ऐप तुमका यह बतावत है कहाँ पे इन्फेक्शन है, कहाँ पे इन्फेक्शन नहीं है, कौन आदमी के नेरे जाए का है, कौन आदमी के नेरे नहीं जाए का है, वही में नोटिफिकेशन आवत है। अब तुमका इतनी बात हम समझाई थी, यह के बाद अगर तुम आरोग्य सेतु मोबाइल पर न रखो तो भैया तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ही हवाले है, कहोगे जिम्मेदार नहीं ठहराओ। यही बात के साथ हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करी थी कि अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु डाउनलोड कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। देखो भैया सब जने अपने जिला का बचा के रखे का ग्रीन जोन में रहा है, अब एक जोन होगा तो होगा लेकिन अब आगे ना हो पाओगे, तो पहली बात तो एप्लीकेशन का डाउनलोड करा, दूसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि दूरी बना के रखा। अब तुम मन से गांव में बैठे तासे खेल रहे हैं दूसरे के साथ एकदम घुसे बैठो तो भैया थोड़ी दूरी बनाए, कुछ दिन रही माल बचे रही है। कुछ लोग बाजारे जा रहे हैं तो घुसे जा रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं झोला में वही में टमाटर आलू, आदमी वैसे टमाटर आलू सही भरो है तो भैया थोड़ा दूरी बना के ठाड हुई है कुछ दिक्कत। और ऊपर से दिख ही रहे कहाँ कहाँ लाइने लागी है, है? बैंकन में आदमी एकदम भीतर तो ठीक है सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर घुसे जा रहे हैं कि ऊपर एक भैया थोड़ी थोड़ी दूरी पर, अगर जरूरी है तो वही बैंक जा, अगर नहीं जरूरी काम चल रहा हो तो बिना वजह बैंक ये चेक करने जाके जो सरकार पैसा भेजो इस आएगा तो उमा कुनो अगर आपको जरूरत है तो वही जाओ है। और एक के अलावा बहुत छोटे छोटे जो बैंक सेंटर बने हैं उनसे संपर्क कर लो, तुमका पैसा व्यवस्था करते हैं ना, तो इस तरह से काम कर लो, जरूरी थोड़ी ना है कि फालतू में भीड़ लगाओ। ऐसे सबसे बड़ी समस्या है कि छुआ छूत से पहले थे, इतने बार सबको बताओ मेरे चैनल में बहुत दाएं बताओ गए तो बाहर तो कहूँ थे आओ जाओ बाहर कहो तो मुंह में मास्क लगा लो, नहीं है मास्क तुम साफ ही बांध लो, कपड़ा बांध लो, रुमाल बांध लो, कुछ बांध के जाओ, जे मैं एक दूसरे के ऊपर छींके खांसे थे कोको पर जाए ना कोहो का छुओ कुछ छुओ तो पहले हाथ साबुन ते रगड़ के धो लो, मान लो हाथे में कहूँ वायरस वायरस चलोगा पेटे में तो फिर है ना मुंह में चलोगा आंखी में नाक में कहूँ छू लो तो बवाल है। तो ऐसे नहीं कि सत्य बढ़िया बच के रहा उठ पटांग चेंज हुआ, जरूरत हो तो वही बाहर जाने, बाहर जाने जरूरत नहीं आए, घर में रहा आराम से, कोई ना को बाहर जो जो आदमी भैया देखा सब सब जने जो बाहर ते आ रहे हैं तुम पंचे अगर सुन रहे हैं तो बाहर ते आया हुआ तो सरकार क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ तो उनमें चाहे जाओ उन पे आराम से 13-14 दिन रहा अपन वहीं पे, तो बाकी व्यवस्था तो सरकार कर ही रही। तो एक हमारे कि तुम अगर हुन रही है तो तुम अपने घर परिवारों को बचा पाइयो, घर से या तो अपने घर परिवार का पता का एक मारे सबसे बड़ी दिक्कत है कि 13-14 दिन तक तो समझे नहीं आवत आई समस्या है मा, तो उथे बच के रहा ठीक। तो हमारे इतना आग्रह है कि सब जने भाई आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर ले और जो को डाउनलोड कर रहा है नीचे कमेंट में बताई कि हम डाउनलोड की नहीं
और ये वीडियो फेसबुक में जो कोई देख रहा हो है, तो फेसबुक के कमेंट बॉक्स में नीचे जाके अपन आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड की नहीं तो ख्याल हमका स्क्रीन शॉट में डारा जो मक सब जाने पता लगे कि तुम डाउनलोड कर लो। तुम बहुत जिम्मेदार आदमी हो, ठीक। जो को डाउनलोड करी वो लिखी कि मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैंने एंड्रॉयड आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लिया है, ठीक। तो ऐसे इसका एक शब्द लिखा। और भैया बचे रहा, स्वस्थ रहिया, तो जिंदगी बहुत परी, चाहे जहां घूमा चाहे जो कुछ करा। तो मिला समझ भैया को नए वीडियो में, राम राम।